पांचवें चरण के मतदान के लिए आज गोंडा में मतदान जारी है। आज दिन भर वोटिंग देखी गई, जहां पर सुबह से ही 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। कुछ एक ईवीएम मशीनों में खराबी के अलावा कहीं ना कहीं लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, युवाओं ने हिस्सा लिया। और किस तरह से इस जनपद में गोंडा की जो ये गोंडा संसदीय सीट है, इस पर लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से मतदान हुआ और कौन भारी रहा, कौन पीछे रहा, किस तरह का माहौल रहा। क्या नाम है? दिनेश कुमार पांडे नाम है, हिंदुस्तान अखबार से हैं। ये बताइए कि क्या क्या लगता है आपको गोंडा की जो चुनाव है उसमें किस तरह का माहौल है? गोंडा में मिला जुला असर है, क्योंकि अयोध्या से सटा हुआ जनपद है और खासकर इसके नाते यहाँ पर जो है जो गोंडा की सीट है इस पे हैट्रिक लगाने के लिए प्रत्याशी हैं सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, वो बिल्कुल आतुर हैं। वहीं श्रेया वर्मा नया चेहरा आई है, क्षेत्र में अन्य बूथों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन मनकापुर के इर्द गिर्द में लगभग 100 पोलिंगों पर कीर्तिवर्धन सिंह आगे जा रहे हैं। अच्छा, क्या मानते हैं, आपने सुबह से ही कवरेज किया, किन मुद्दों पर वोट डाला लोगों ने? जो भी वोट डाला है सब विकास के मुद्दे पर, जो भी वोट पड़े हैं विकास के मुद्दे पर वोट पड़ रहे हैं, खासकर विकास का मुद्दा है और अयोध्या से सटा होने के नाते राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ हावी है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको क्या लगता है कि जैसे 2 बार लगातार सांसद रहे हैं, तीसरी बार कोई नया चेहरा आया है, ऐसे में बेनी प्रसाद वर्मा यहाँ पर सांसद हुआ करते थे, उनकी पौत्री हैं, तो क्या समीकरण कुछ आपने देखा है? धन्यवाद, मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को। रही बात सीधे बीजेपी और सपा में टक्कर है और किसी पार्टी का कुछ है नहीं। अब रही बात कि भाजपा, ये सांसद जी हमारे तीसरी बार अब की बार लड़ाई में हैं, मैदान में हैं, और विकास मुख्य मुद्दा है। जात पात भी फैलाया गया लेकिन उसका कोई विशेष असर नहीं है। जिस तरह से समीकरण यहाँ का इस बार है, मुस्लिम यादव और जो कुर्मी, मतलब कि कद्दावर कुर्मी नेता थे बेनी वर्मा, उनकी पौत्री हैं, उसका क्या असर आपको लग रहा है? अब रही बात कि इनके जो बाबा थे बेनी बाबू, वो एक बार यहाँ 2009 में जीत कर गए और वो फिर 14 में लड़े थे कि जमानत जब्त हो गई थी। यही एक आधार है, इसे जान लीजिए उनके पोती को क्या होगा। और बाहर की हैं, यहाँ की है भी नहीं, तो यहाँ की जनता उनको लाइक नहीं करेगी किसी भी रूप में। अच्छा, क्या क्या लगता है कि सुबह से ही मतदान जिस तरह से शुरू हुआ, अभी बहुत प्रतिशत लगातार घटता बढ़ता रहा, उसमें क्या लगता है लोगों में रुचि है चुनाव में या किस तरह से माहौल है? नहीं नहीं उत्साह तो है, गर्मी बहुत विकट थी इसलिए बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, सुबह लाइन लगी है, बढ़िया वोटिंग हुआ है और अभी इधर 4-5 बजे से 6 बजे तक बढ़िया वोटिंग होगा। अब रही बात परसेंटेज वाली, तो परसेंटेज कुल मिला के बीजेपी का परसेंटेज अधिक दिख रहा है। क्या है पलड़ा, किसका भारी आपको लग रहा है? किसका पलड़ा ये नहीं कहा जाता है किसका भारी है, अभी तो कांटे की टक्कर चल रही है अन्य विधानसभाओं में। मनकापुर में यहाँ कीर्तिवर्धन सिंह हावी हैं और लगता है कि इस बार भी हैट्रिक को मारेंगे। अच्छा, तो क्यों इस तरह से, क्या क्या आपको लगा, आपने अपने कवरेज में इस तरह से देखा या क्या? जो युवा वोटर हैं विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, तो भाजपा पार्टी इन सब मुद्दों को लेकर चल रही है, युवा मतदाता इसलिए उधर जा रहे हैं। और रही बात श्रेया वर्मा की, वो जातीय समीकरण एक बैठा है, कुछ एक जातीय वर्ग विशेष वो उनके साथ है, बाकी जो भाजपा के पुराने वोटर थे उनसे ज्यादा इस बार बढ़े हैं, सब उनके साथ ज्यादा जुड़े हैं। क्या ये नहीं लगता कि जैसे 2 बार सांसद रहे हैं और नीतियों से या पीडीए का जो दावा है इस बार कि 400 पार नहीं होने देंगे, 400 पार हरा देंगे, तो उसका कुछ असर यहाँ पे? उसका ऐसा कोई असर नहीं, यहाँ जो कुछ है वो विकास और सांसद जी का वो अहम वो है और बाकी उनका बाहरी होना ये यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए उनको इतना समर्थन नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। क्या किस तरह की टक्कर आप देख रहे हैं? आप तो लगातार 15 वर्षों से आप लगातार इस सीट को देख रहे हैं, यहाँ के युवाओं का मन टटोलते रहे हैं, कैसे? यहाँ दोनों मतलब काटे की टक्कर है और ये हमारे जो युवा सांसद राजा भैया हैं, यहाँ लोग उनको लाइक कर रहे हैं, वो बाहरी प्रत्याशी होने के नाते
बहुत कम लोग उनको लाइक कर रहे हैं और जातीय समीकरण कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ राजा भैया का वो है कि हाँ वो विकास पुरुष हैं और क्षेत्र में काम भी कर रखा है। तो कहीं ना कहीं लोग विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी की भी चर्चा पार्टी में भी है तो पत्रकारों के बीच में भी है, समाज में भी। आपको क्या लगता है कि किस तरह से यहाँ युवाओं में किस तरह से उत्साह रहा है? युवाओं में यहाँ ये विश्वास है कि जो मोदी जी की गारंटी है, गारंटी पर यहाँ के युवा अधिकतर विश्वास करते हैं कि आने वाले जो सरकार ने वादा किया, जो गारंटी दी है, उस पर वो खड़े उतरेंगे। पत्रकारों में भी लगातार यही रुझान दिखा कि कोई विकास की बात कर रहा है, कोई कांटे की टक्कर कर रहा है, किसी ने जातिगत समीकरणों की बात की। कैसे देखते हैं कि अगल बगल अयोध्या है या आसपास की सीटों का जो है माहौल, उससे उसको कैसे देखते हैं? आसपास की सीटों पर भी बीजेपी का दबदबा है। दबदबा क्या है कि विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, जो लोग स्थानीय या किसी लोगों को नहीं भी लाइक कर रहे हैं, जैसे आपका बस्ती है बगल में, वहां तो आज मतदान नहीं हो रहा, लेकिन जो आम चर्चाएं हैं ये है कि सब लोग विकास के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये राम मंदिर चूंकि यहाँ है बगल में और अयोध्या के सटी सीट है, उसका कुछ असर है? बहुत ज्यादा असर, बहुत असर है। और यहाँ सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जो अपने क्षेत्र में विकास किए हैं, जनता ये चाहती है कि फिर वही सांसद हो जो बाहरी प्रत्याशी आई हैं। बेनी बाबू कभी यहाँ एक बार सांसद हुए थे, उन्होंने तमाम जगह पर उन्होंने शिलान्यास किया, काम आज तक नहीं किया। तो वो लोग कहते हैं कि वो जो शिलान्यास की थी वही पड़ा है, तो ये नया क्या करेंगी, इसलिए उनका यहाँ कोई असर नहीं है। यहाँ केवल बीजेपी का वोट है, बाकी जहाँ मुस्लिम बाहुल इलाका है या जहाँ यादव बाहुल इलाका है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि जो आम चर्चा है कि साइकिल को भी वोट पड़ रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे जो सुनने में आया है वहाँ कमल ही कमल खिल रहा है। अच्छा, कई बार है कि दो बार सांसद अगर कोई रहा या जनप्रतिनिधि रहा तो उससे उकताते हैं लोग, उबन होती है या फिर उनकी नीतियां नहीं समझ में आती, उस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत सरल हैं, सीधे हैं, कोई गुंडा नहीं है, और इसका प्रभाव है लोगों के अंदर कि वो एक सरल हैं, मिलते जुलते भी रहते हैं, विकास भी करवाए हैं और कुछ इस तरीके से काम नहीं किए कि वो जनता के बीच से हट जाएं, तो उनकी जो कड़ी है ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा, कौन से वो काम रहे जो जिसको जनता ने मतलब अच्छा लगा कि ये जनपद में ये होना चाहिए था, हुआ क्या? ये मुद्दा जैसे सड़क का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, ये सबसे बड़ा कठिन था पहले की सरकारों में, लेकिन आज के डेट में बिजली का नहीं रह गया, आपके हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल में भी अच्छी सारी दवाइयाँ मिल रही हैं, इलाज हो रहा है। इसके अलावा आप देख लीजिए जितने विद्यालय हैं, प्रसिद्धीय विद्यालय, सबकी बाउंड्री चकाचक व्यवस्था हो गया, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है, ड्रेस भी मिल रहा है, जूता भी मिल रहा है, कॉपी किताब भी मिल रहा है। इसका सबका असर सीधे पार्टी पर जाती है, क्योंकि मोदी जी के नाम पर जो उन्होंने किया है, तमाम ऐसी चीज़ें जो मुस्लिम महिलाएँ भी वोट देने तैयार हैं और दी होंगी जहाँ तक हमें लग रहा है ऐसा, क्योंकि तीन तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा था उनके लिए, काफ़ी अब महफूज अपने आप को मानती हैं महिलाएं, मुस्लिम की महिलाएं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि चुनाव के बाद जो यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो उनका नाम मिलना या फिर एक जो राजा वाला रुतबा होता है वो अभी कहीं ना कहीं सुनने में आता है, दूर से या नज़दीक से, कैसे देखा? कभी कभार जैसे वो यहाँ नहीं है, बाहर हैं, तो लोगों से नहीं मुलाकात हो पाती, अगर यहाँ हैं तो लोगों से मिलते हैं, आम जैसे एक नेता मिलता है उस तरह उनका दरबार लगता है, लोग जाते हैं अपनी फरियाद लेके, वो उसका निस्तारण करते हैं। सांसद से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि जैसे हमने भी लोगों को नियुक्त कर रखा है कि किस काम के लिए कौन है, किसके लिए क्या है, तो वो कई बार उन लोगों तक रह जाता है और समस्या का समाधान नहीं होता। हाँ, ये एक मुद्दा हो सकता है कि सांसद जी तक वो बातें ना जाती हों, वो एक हो सकता है। बाकी जो लोग हैं, चार लोग बताया सांसद ने कि हमारे चार लोग हैं, तो चार लोग के पास हो सकता है वो अगला फरियादी न पहुंच पाता हो, ये सब चीज़ें हैं, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। और अगर वो रहते हैं तो लोगों के बीच में रहते हैं, मिलते जुलते हैं, बाकी आना जाना और मतलब न्योता हकारी ये सब भी आते देखते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि का लोगों के बीच में जाना या फिर उनकी बात सुनना लेकिन समस्या का समाधान न होना, या लगातार इस तरह की चीज़ें जो उसका निराकरण ना निकलना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है मतदान को?
इतना तो कोई असर नहीं है, क्योंकि अब संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, अब हर घर हर जगह तो सांसद नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन चौपाल लगाते रहते हैं और लोगों का जो है दुख दर्द सुनते हैं। रही बात की प्रतिनिधि हैं, 4-5-6 लोग हैं जो कोर्ट में जिम्मेदारियाँ उनको कुछ बिजली का दिया गया, किसी मुद्दे का दिया गया है, वो उसका निर्वहन करते हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं कि जो उस चीज़ को नहीं मानते, किसी का होगा किसी का नहीं होगा, वही रूठ जाते। युवा चेहरा हैं श्या वर्मा, ऐसे में किस तरह से देखते हैं आपकी युवाओं को किस तरह से, जैसे कि तमाम जगहों पर सांसदों विधायकों मंत्रियों के बेटे या बेटियां मैदान में हैं, उनको किस तरह से, युवाओं को किस तरह से पसंद किया जा रहा है, उसका असर क्या गोंडा में? उसका असर यही है कि मतलब कि युवा सांसद हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, और स्थानीय का पूरा घाघरा से लेकर वहाँ सबरापुर तक जितने भी युवा हैं, तब उसे युवा होने के नाते जो नई इस बार प्रत्याशी हैं वो युवा हैं, उनका क्या असर है? यहाँ बाहरी होने का कोई असर नहीं है, वो बाहरी हैं इसलिए कोई असर नहीं है। अगर स्थानीय होती तो बात दूसरी होती कि हाँ कुछ लोग उनको लाइक करते, मगर बाहरी होने का उनका ठप्पा लगा हुआ है, और वो हमारे जो राजा साहब हैं जाति विशेष का लगाव है, और बाकी उनका यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं है। क्या किस तरह का समीकरण यहाँ पर बना है जिसकी वजह से पीडीए ने उनको टिकट दिया? एक जैसे वर्मा बाहुल्ता और उसके बाद में यादव मुस्लिम, ये फैक्टर वो उनके दिमाग में है कि ये सारे वोटर हमारे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब की वोटरों का विभाजन हो रहा है, आधे मतदाता भाजपा की तरफ जा रहे हैं, आधा वो लेके संतुष्टि अपनी करेंगे, अब बाकी चार तो एक नजर में देखा जाए तो किसका क्षेत्र में हम चल के देखे हैं, पहले भी देखे हैं चुनाव पहले भी, और चुनाव दिन तो देख ही रहे हैं, श्रेया वर्मा को तो बहुत से लोग पहचानते ही नहीं, मिली ही नहीं है, तो चेहरा ही जब नहीं किसी ने देखा, मुलाकात नहीं हुई है, तो इस तरीके से कैसे जीत होगी उनकी? उनको तो 2 महीना पहले टिकट उनका घोषित हो गया था, तो क्या लगता है कि वो जनता के बीच नहीं पहुँच? मनकापुर क्षेत्र में तो हमने कभी देखा ही नहीं, अब रात में आई हो तो हम नहीं कह सकते, दिन में तो हमें किसी गांव में नजर नहीं आई है। क्या मानते हैं कि ये गृह क्षेत्र है सांसद का, तो कहीं ना कहीं ये उनकी सोच है, अगर चुनाव मैदान में है तो सब जगह जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं, क्या वो लगातार दोनों लोगों को एक साथ टिकट मिला था, ऐसे में क्या लगता है कि पूरा क्षेत्र घूमने का मौका नहीं मिला क्या प्रत्याशी को? प्रत्याशियों को जैसे जो यहाँ के सांसद थे तो पहले से ही पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते थे, पहले से टिकट फाइनल नहीं हुआ उनका, श्रेया वर्मा के जब टिकट फाइनल हुआ समय कम बचा, और बेनी बाबू भी जब सांसद थे तो वो भी मनकापुर छोड़ के रुकते थे, कहीं ITI में रुकते थे, अब रात जैसे सुबह होती थी तुरंत वो भी जो बाहर निकल जाते थे, क्षेत्र में कहीं चौपाल वगैरह नहीं लगाते थे। जैसे राजा साहब का ये जो पहले से चला आ रहा है कि राजा का जो ये क्षेत्र है ये राजघराना बहुत पहले से, यहाँ तो सुनने में आया है कि बहुत पहले एक बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे और यहाँ एक जनसभा जनता इंटर कॉलेज में उन्होंने किया था, उसके बाद जैसे यहाँ के कुछ लोग पहुंचे और सुने उसके बाद उनको यहाँ से भागना पड़ा था, तो जब काला झंडा दिखाया और उसके बाद मंच से, तो उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि सारे जगह की राजशाही चली गई, लेकिन लगता है अभी मनकापुर की राजशाही नहीं गई है, वो आज भी कायम है। सरल स्वभाव होते हुए भी अगर कोई दुष्टता करता है तो राजा मनकापुर के लोग, वो नहीं उनके लोग, उनको करारा जवाब देना भी जानते हैं। पूरे पूरे जनपद में आपने देखा होगा घूमकर और कवरेज किया होगा, सुबह से किस तरह से मतदान आपने देखा, सुबह 7 बजे किस तरह के लोगों में उत्साह था, फिर दोपहर में किस तरह से शाम को? हाँ 11 बजे के पहले तक, यानी 7 से 11 तक उत्साह रहा, लाइनें भी लगी, लंबी लाइनें लगी, और महिलाएं तो बढ़ चढ़ के वोट दिए। क्या लगता है लोग जिस तरह से करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और उसके बाद भी मतदान प्रतिशत कम होता है, लोगों की रुचि कम है वोट प्रतिशत बढ़ाने में या कोई और कारण? नहीं, रुचि तो किसी की कम नहीं है, काफ़ी जो है इसके लिए प्रोत्साहन दिया गया है लोगों को और जागरूकता फैलाया गया है, ऐसा नहीं है। अब रही बात कि धूप इतनी तेज थी, तमाम ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो अब सेकंड मीटिंग ये 1-2 घंटा लगातार हर बार 3-4 चुनाव से देखा गया है कि फर्स्ट डिवीजन भी ये जनपद नहीं पास होता, ऐसे में जो वोट प्रतिशत है उसे किसका फ़ायदा किसका नुकसान आपको दिखता है? ये कमी तो है, वो सभी के लिए कमी है, सभी जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके सबके लिए कमी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको आना चाहिए और वोट प्रतिशत बढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आलसी हैं जो नहीं आते हैं, और उसके लिए क्या किया जा सकता है, साधन की पूरी व्यवस्था है, प्रशासन पूरी मदद कर रहा है,
किसी साधन को रोका टोका नहीं जा रहा है और इस स्थिति में घर से निकल के वोट देना चाहिए। ये थे गोंडा के वरिष्ठ पत्रकार। इनका कहना है कि अभी भी विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, और चूंकि बगल में अयोध्या है, राम मंदिर निर्माण जो 500 साल बाद पूरा हुआ, उसका असर यहाँ पर इस बार भी देखने को शायद मिलेगा। और चूंकि श्रेया वर्मा बेनी वर्मा की पौत्री हैं, कद्दावर कुर्मी नेता थे, वो यहाँ पर सांसद भी रहे थे, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो गई और वो चौथे नंबर पे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का मानना है, यहाँ के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है, कवरेज के आधार पर और जो उन्होंने जनता का मूड देखा है, उस मूड के आधार पर उनका कहना है कि यहाँ पर कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। देवमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, गोंडा।